Hello parents, good morning. As you know that due to the lockdown, we all are staying at home. No schools, no market, no college, no offices. All these things are closed. But as you know, we informed you that from Monday, it means from 13th April 2020, we are going to start and provide you the online classes. In this sequence, today I am going to teach you, your kid, in math subject, in first class, counting. Counting को हिंदी में गिनती बोलते हैं. आज हम पहली बार 1 से 20 तक की counting सीखेंगे. 1 से 20 नहीं 10 तक की ही काउंटिंग सीखेंगे. 20 तो बहुत लंबा हो जाएगा और पहला दिन है बच्चों के लिए, इसलिए थोड़ा सा इसको रोक के चलेंगे. देखिए, काउंटिंग को तीन प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं. एक तो अंकों में लिखना, जैसे अपन 1 बोलेंगे तो 1 की एक अलग शेप है, 2 बोलेंगे 2 की अपनी एक शेप है, 3 बोलेंगे 3 की अपनी एक शेप है. एक उसको जो अपन जैसे बोल रहे हैं, तो इंग्लिश में जैसे 2 बोला तो 2 को लिखा TWO, ये नंबर नेम्स बोलते हैं इसको. और हिंदी में नंबर नेम्स को नामांक बोलते हैं, जैसे 3, 3, 4, 4, इस प्रकार से. तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं काउंटिंग. सबसे पहले 1. अक्षरों की बनावट कैसी होनी है इस पर विशेष ध्यान देंगे. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आप देख पा रहे होंगे, बच्चे इसको आसानी से समझ सकते हैं. सरलता से अक्षरों की बनावट ऐसी की ऐसी ही रहे तो ज्यादा बढ़िया रहे. तो आप कोशिश करें बच्चे को, यदि एक गलत लिख भी दे तो उसको वापस इरेज करवा के वापस लिखवाए कि बेटा देखो, ए 1 ऐसा लिखा हुआ है तो आप भी ऐसा लिखो, 2 ऐसा लिखा हुआ है तो आप भी ऐसा लिखो, इस प्रकार से. नंबर नेम्स 1, 1 की स्पेलिंग है O N E 1, 2 की स्पेलिंग T W O, 3 की स्पेलिंग T H R W E, 4 की स्पेलिंग F O U R, 5 की स्पेलिंग F I V E, 6 की स्पेलिंग S I X 6, 7 S E V E N, 8 9 10. ये नंबर नेम्स हैं. अंकों में लिखा अपन ने 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसको इंग्लिश में शब्दों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप आसानी से समझ पा रहे होंगे, आपको दिख भी रहा होगा. अब इनको नामांकों में लिखना है, यानी हिंदी में कैसे बोलते हैं. 1 को बोलते हैं 1, तो एक. 2 को बोलते हैं 2, दे के को की मात्रा 2. 3 को बोलते हैं 3, ती न ती. 4 को बोलते हैं 4, चार चार. 5 को बोलते हैं 5, 6 को बोलते हैं 6, 7 को बोलते हैं 7, 8 को बोलते हैं 8, 8, 9 को बोलते हैं 9, और 10 को बोलते हैं 10.
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सारा का सारा बच्चों को ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। और ये सब बच्चा तो तुरंत ही बोल देगा मेरे को आता है। तो आप बोलोगे कि ये तो 5 मिनट का सिलेबस ही हुआ है, अभी तो इसको आता है, तो आप लिखवा के देखिए। आप लिखवाने के लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट देता हूँ आपको, आप समझ लीजिए इसको। प्रैक्टिस सेट में अपन 3 कैटेगरी बना देंगे, अंक, नंबर नेम्स और नामांक। अंक में सपोज कर लीजिए अपन ने 1 लिख दिया, नंबर नेम्स बच्चा लिखेगा, नामांक भी बच्चा लिखेगा। आपने यहां पर 4 लिख दिया, अंक बच्चा लिखेगा, नामांक बच्चा लिखेगा। आपने सपोज कर लीजिए यहां पर 6 लिख दिया, तो बाकी के अंक और नंबर नेम्स बच्चे को लिखने हैं। आपने 7 लिख दिया, नंबर नेम्स नामांक बच्चे से लिखवाना है। आपने 3 लिख दिया, 3 लिख दिया, नंबर नेम्स और नामांक बच्चे से लिखवाना है। ऐसे ही 8 बच्चे से। आपने सपोज कर लीजिए 7 यहां लिख दिया, ये दोनों चीजें बच्चे से करवाने। यहां पर आपने 10 लिख दिया, फाइव यहां लिख दिया, सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन नहीं आया तो अपन 9 लिख देते हैं यहां पर, ये बच्चे से आप लिखवाएंगे। ऐसे ही ये आपको लिखना है। इस तरीके से यदि आप प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चे की, तो इसमें कोई दोराय नहीं, बच्चे को ये सारी चीजें एक ही दिन में आ जाएंगी। 1 से लेके 20 तक की काउंटिंग ही थोड़ी टफ होती है, और उसके टफ होने का कारण है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये तो सारे के सारे बिल्कुल अपने आप में डिफरेंट है। फिर 10 के बाद में जो 11 आता है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, बच्चों को स्पेलिंग वगैरह थोड़ी टफ होती है तो समझ में कम आ पाती है। फिर 12, 13 जैसे 3 होता है वैसा 13 नहीं होता, 4 होता है वैसा 14 होता है, 5 होता है वैसा 15 नहीं होता, उसमें स्पेलिंग्स में थोड़ी सी हो जाती है। जैसा 6 है वैसा 16 हो जाता है, 17 हो जाता है, 18 हो जाता है, 19 हो जाता है, लेकिन 10 है वैसा 20 नहीं होता स्पेलिंग्स में और नामांकों में। तो नंबर नेम्स और नामांकों के संदर्भ में बता रहा हूँ ये बात। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को एक बार करवा लेंगे प्रैक्टिस तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रैक्टिस को आप और भी बढ़ा सकते हैं, इसको और भी अच्छी बना सकते हैं, तो आप अपने बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करवाएं। और ये डेट डलवा के क्लास वर्क की नोटबुक में ये आपको प्रॉपर तरीके से ये सारी चीज़ें आपको करवानी है। ये सब होने के बाद ये सारा हो जाएगा, तो फिर बाद में जैसे बच्चे ने क्या सीखा और जो भी सीखा है उसने, जो भी लर्न किया है, उसका एक छोटा सा 2 मिनट का, 1.5 मिनट का, 3 मिनट का एक वीडियो बनाएं, और वीडियो आप जो सब्जेक्ट टीचर है उसको डाल दें। तो उससे क्या होगा कि आपको भी पता चलेगा और हमको भी पता चलेगा कि बच्चे ने क्या सीखा। और उस वीडियो को यदि वास्तव में पेरेंट्स के पास और पेरेंट्स के पास भेजने लायक हुआ तो हम ज़रूर उसको ग्रुप में डालेंगे, और ग्रुप में डालने के बाद में और बच्चे भी उनसे मोटिवेट होंगे। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे एट होम, फॉलो द लॉकडाउन रूल्स। थैंक यू।